Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ नाज़रीन, बारान-ए रहमत में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 19वां रोज़ा ख़त्म हो चुका है, 20वें रोज़े की माशाल्लाह शब है और हम हमारे आखिरी अशरे में आ चुके हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारे सेट में थोड़ी सी तब्दीली हो चुकी है। अमूमन तो जब हम इस सेगमेंट में आते हैं इफ्तार के बाद, और उम्मीद होती है कि आप सब ने तफसील से इफ्तार कर ली है, सब ने नमाज भी अदा कर ली होगी, तो हम यूजुअली आते हैं हमारे गेम शो सेगमेंट के साथ। लेकिन क्योंकि अब ताक रातें शुरू हो गई हैं, हमने डिसाइड किया है कि सेट में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकें वो हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत शुक्रिया कि काफी लोग बैठे हैं जी, हमारे साथ बहुत सारी ये खूबसूरत आवाजों के मालिक यहाँ बैठे हैं, नातवां बैठे हैं और बहुत मजा आएगा आज इंशाल्लाह। हम नाते भी सुनेंगे, हमारे ऑडियंस के लिए भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि जैसे अली ने कहा कि ताक रातें हैं तो हम अपने ईमान को ताज़ा करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें, या कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, 19वें रोज़े की फजर के वक्त मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर ज़र्बत लगी थी। इस वाक़े को हमने कल हमारे उलमा के साथ छेड़ा था, लेकिन और तफसील से बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि फरहान अली वारिस साहब, आप हमें इस वाक़े के बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आज एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बाबरकत महफिल में मुझे आपने दावत दी। बेशक ये अयाम जो हैं बड़े ही दर्दनाक अयाम हैं, यानी आज का दिन जो हमारा गुज़रा है, 19 रमज़ान को जब मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद कूफा की तरफ नमाज फजर के लिए रवाना होते हैं तो मुर्गाबियाँ मौला का रास्ता रोकती हैं। कभी मौला का दामन दरवाजे की जंजीर से अटक जाता है। ये इस बात की दलील है कि जो इमाम होता है कायनात की हर शय पर वाजिब है उसकी अताअत करना, यानी इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद। तो मुर्गाबियाँ रास्ता रोक रही थी कि मौला ना जाइए, जंजीर जो दरवाजे की थी वो अबा में अटक गई, तो इशारे मिल रहे थे। लेकिन चूंकि मौला अली अलैहिस्सलाम को एक वो वादा निभाना था जो आलम अरवा में अपने परवरदिगार आलम से किया था, जो जाम शहादत पीना था, मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में दाखिल होते हैं तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम वो मलाउन जो है वो सो रहा था, यानी उसको लालच दी गई थी कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें बहुत सारी उसमें बातें मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। तो वो सो रहा था और ये कमाल है अली का कि मस्जिद में मौला अली अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो अपने कातिल को जगाया कि तू सो रहा है तो उठ, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। और फिर मस्जिद कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज अदा कर रहे थे तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नामी शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर बुझी हुई जहर में बुझी हुई तलवार से वार किया और मौला फिर ज़ख्मी हुए, और फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े और तमाम असाब दौड़े मौला अली को पकड़ने के लिए। और उसके बाद उस ज़ख्मी हालत में जब मौला को घर लाया जा रहा था तो मौला अली अलैहिस्सलाम, और इतने अरसे में इतनी जो टाइम गुजरा था, एक कूफे में एक फ़ज़ा गम की सोगवार हो गई थी कि मस्जिद में अली को तलवार से ज़र्ब लगाई गई है, तो ये बात जब घर में पता चली तो बीबी ज़ैनब गिरिया कर रही थी। घर के करीब पहुँचे ना तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि हसन, इन तमाम असहाब से कहो कि यहीं रुक जाए, आगे ना आए। तो इमाम हसन ने कहा, बाबा ऐसी क्या बात है? कहा कि उधर मेरी बेटी ज़ैनब और कुलसुम रो रही हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी भी नामहरम के कान में मेरी बेटियों की आवाज़ जाए। ये किरदार है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, ये सब्र है, और इस पर आगे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, कलाम भी इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। इसी वाक्य के साथ हम ये भी जानते हैं कि मौलाए कायनात अदल को किस तरह अहमियत देते थे जी,
इसके बारे में हमें बताएं। इसमें मैं आप अदल के बारे में एक वाकया मैं बताता हूँ। वैसे तो हर काम में उनके अदल है, बेशक बेशक, लेकिन खास इस वाकये में बताऊँ कि जब मौला अली अलैहि सलाम ज़ाहिरी खिलाफत में आए तो सबकी तनख्वाहें मुकर्रर हुई, तो मौला अली से किसी ने सवाल किया, या अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम, अब आप ज़ाहिरी तौर पे खिलाफत में आए हैं, अब मुझे बताइए कि आप अपनी तनख्वाह क्या मुकर्रर करेंगे। तो मौला अली अलैहि सलाम, और ये पैगाम है हमारे तमाम दुनिया भर के पॉलिटिशियंस के लिए भी कि जो लीड करते हैं पाकिस्तान को, और अगर वो सीखें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और तरक्की करेगा, कि मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि मैं अपनी तनख्वाह उतनी रखूँगा जितनी एक मज़दूर की तनख्वाह होती है। तो सवाल किया गया कि या अली, क्या उस तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाएगा? तो मौला अली ने कहा कि अगर गुजारा नहीं हुआ तो मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यानी जब उसका गुजारा नहीं, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो यकीनन उसका भी नहीं हो सकता। तो अदल ये है, अदल के ऊपर तो बेशुमार वाकयात मौला अली अलैहि सलाम के मिलते हैं, उनकी पूरी जिंदगी सरापाए अदल है। बल्कि एक पैगाम हमें मौला अली अलैहि सलाम से मिलता है, अगर एक कॉल में मौला अली अलैहि सलाम का आपको आपके सामने सुनाओ और इस पर आप इम्प्लीमेंट कर लें, इसको अपने अपनी ज़ात पे अप्लाई करें, तो आई थिंक आप ये एक कॉल आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है पॉजिटिवली। वो क्या है कि आप जिस वक्त पूरे दिन के मामला निपटाने के बाद आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जितने भी वर्क जो भी काम आप करते हैं, रात को जिस वक्त आप सुकून में आके सोने लेटते हैं, उस वक्त आपको दिन भर की सारी बातें याद आती हैं। उस वक्त आप एक अदालत लगाएं अपने साथ, और उस अदालत में क्या होगा, आप मुजरिम, आप ही जज, आप ही वकील खिलाफ, आप ही वकील सफाई, और आप ही फैसला करने वाले हैं, और आप ही ने मुकदमा दर्ज किया अपने खिलाफ। अब जब हर चीज़ में वकील और जज और मुलजिम अपने आपको ही ठहरा दिया, तो हर चीज़ में इंसाफ आपने करना है। अब आप शुरू होते हैं, एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि आप रस्ते में जा रहे हैं और जाते जाते आपने देखा कि एक फ़कीर आया, उसने मांगा, आपको वो तंग कर रहा था, और आपने झिड़क दिया उसको। अब ये केस आपने अपनी ही अदालत में डाला, अब आप वकील खिलाफ बोलेगा बन के, आप वकील खिलाफ बन के बोलेंगे कि इसने जो है उसको धुतकारा था, वकील सफाई बोलेगा मुझे तंग कर रहा था। जब तंग कर रहा था तो वो जो मुलजिम, आप खुद मुलजिम बने हुए, आप बताएंगे मुझे तंग कर रहा था, मैं परेशान हो गया इसलिए मैंने धुतकारा। अब वकील खिलाफ जो है वो एक कॉल कोई मौला का या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर देगा कि हुस्ने अखलाक से पेश आओ, सब्र करो, बर्दाश्त करो। उसके बाद जज फैसला करेगा कि आज के बाद तुम्हें अगर किसी को नहीं देना तो तुम ना दो, लेकिन धुतकारो नहीं अगर तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि यहाँ मौला का कॉल मिलता है कि मौला से किसी ने पूछा कि ये बताइए अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम, अगर हम किसी को देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा वो इस बात का हकदार है या नहीं है? तो मौला अली अलैहि सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तुम्हारे पास अगर है तो तुम दे दिया करो, अगर वो इस बात का मुस्तहिक है तो तुम्हें वो अल्लाह देगा जो जिस बात के तुम मुस्तहिक हो, अगर वो उस बात का मुस्तहिक नहीं था तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम मुस्तहिक नहीं हो। तो जब फैसला हो जाएगा अदालत में कि आइंदा आपने नहीं करना, तो बस वो अमल आपने अपनी जिंदगी से निकाल देना है। तो रोज एक अदालत लगाए, रोज एक केस दाखिल करें, और देखें अदल से आपकी जिंदगी कैसी तब्दील होती है। बहुत खूबसूरत बात है ये, और वाकई हम लोग कभी कभी नहीं सोचते, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, और इम्प्लीमेंट जैसे आपने कहा कि अगर कोई बात सुनो तो उसको फौरन उस पर अमल कर लो। ऐसे ही जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हम कुरान पढ़ते हैं, माजरत के साथ हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम सिर्फ तिलावत करते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्सर एक जगह बहस होती है, तो मैं अपनी एक राय देता हूँ कि कुरान आप पढ़ें, अरबी में पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, उसका एक अजर व सवाब है क्योंकि खुदा ने अरबी में नाजिल किया, लेकिन उसके साथ तर्जुमा भी पढ़ें ताकि आपको कुरान समझ में भी आए। अल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। बेशक बेशक, कितनी खूबसूरत। और अल्लाह ताला इसी बात पर एक अच्छी सी हम सुना दे हमें। जी जी, क्योंकि अशरा मगफिरत है, तो अल्लाह से मगफिरत करते हुए भी एक कलाम के चंद अशरा पेश करें। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
चांद सूरज पे सितारों पे हुकूमत है तेरी, तू वो यजदां के मोहम्मद को जरूरत है तेरी। चांद सूरज पे सितारों पे हुकूमत तेरी, तू वो यजदां है, तू वो यजदां के मोहम्मद को जरूरत है तेरी। रहमान भी तू ही है, सत्तार भी तू ही है, गफ्फार भी तू ही है, जब्बार भी तू ही। तू ऐसा महमूद है खुद मोहम्मद, चाहे जिसे रूबरू अल्लाहु अल्लाह। आप सब भी पढ़ सकते हैं, जिक्र खुदा में शरीक हो जाए सब। अल्लाहु दुआए कुमैल जो मौला अली अलैहि सलाम ने हजरत कुमैल को हदिया फरमाई, उसका एक बहुत खूबसूरत जुमला है और बड़ा मारूफ जुमला है कि या सरिय रिजा, ऐ जल्दी राजी हो जाने वाले, ऐ जल्दी राजी हो जाने वाले। अब अल्लाह इतनी जल्दी राजी होता है, हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन सी हस्ती करती है? माँ बाप, है ना। माँ ऐसी हस्ती होती है कि जो जितनी भी माँ नाराज हो, आपका एक आंसू बहा या शर्मिंदगी, माँ आपको गले से लगा लेती है। तो अल्लाह कितनी जल्दी राजी होने वाला है कि हजार करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो आइए फिर इस बात का फायदा क्यों ना उठाएं कि हमने गुनाह किए तो अल्लाह से तोबा कर लें और फिर बोलें, तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा, मैं गुनाहगार बहुत बख्श दे तू मेरे गुनाह। तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा, मैं गुनाहगार बहुत बख्श दे तू मेरे गुनाह। रहमान भी तू ही है, सत्तार भी तू ही है, गफ्फार भी तू ही है, जब्बार भी तू ही। तू जानता है वाले दिल के, तू जानता है वाले दिल के, सब काम सीहा है तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बहुत बहुत खूबसूरत जी। खातिनो हजरात, हमारा तीसरा अशरा शुरू हो गया है और जैसे कि हम सब जानते हैं ये हमारा मगफिरत का अशरा है। जितनी अल्लाह मियाँ से हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे कम है। इंशाल्लाह ताला हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और अभी वापस आते हैं। प्लीज़ डोंट गो एनीवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बारान रहमत में दोबारा से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 20वीं रमज़ान की शब है, हम तीसरे अशरे में आ चुके हैं, अशरे मगफिरत। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेट पर आए। मैं तारुफ कराना चाहूँगा अली रज़ा साहब का। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जनाब? हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे हाफिज़ वकारी नुमान हुसैनी साहब शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? रोज़े ठीक चल रहे? साथ साथ बड़ी फ़ख्र की बात है कि तैमूर जमशेद भी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? फरहान भाई से तो आप मिल ही चुके हैं जी। अब हमारे साथ यहाँ पे जो नातख्वां बैठी हैं उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ हैं सईद अलमास, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ बैठी हुई है अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी हमारे साथ हैं जवेरिया फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। सईदा हुमा उनके साथ तशरीफ रखती हैं। और मेरी सारी बहनें ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले रोज़ा वोज़ा सब सही चल रहा है आप लोगों का? जी हमारी बात चल रही थी मौला अली मौला कायनात
की अदल के बारे में। तो फरहान, आपने जो किस्सा छेड़ा था वो हमारे लिए मुकम्मल कर लें। जी, क्योंकि जब मौला अली अलैहिस्सलाम के जब ज़र्ब लगी और मौला ज़ख्मी रहे, तो जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम उस मरहून को पकड़ के लाया गया और मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया, तो यहाँ मैं दो चीज़ें बताऊँगा, अदल भी और सखावत भी। बेशक अदल, क्योंकि इमाम हैं, आदिल हैं, और सखावत भी इसलिए क्योंकि इमाम है, क्योंकि हर शय पर जो है इमाम का इख्तियार होता है और हर शय पर इताअत वाजिब होती है। अब सुनिएगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब सामने लाया गया तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है ना, जिसने मौला को कत्ल किया, वो कांप रहा था और मौला के लिए शरबत लाया गया था, तो मौला ने कहा ठहरो, ये शरबत मुझे नहीं, इसको पिला, क्योंकि ये इसको मुझसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है, क्योंकि कांप रहा है खौफ से। उसको बिल्कुल रिलैक्स किया। और फिर जब बात आई अदल की कि इसके साथ अब क्या इंसाफ किया जाए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा देखो, अदल का तकाजा ये है कि इसने मेरे सर पर एक ज़र्ब मार के वार किया, एक ज़र्ब लगाई, तो अदल ये है कि तुम भी इसको सिर्फ एक ही ज़र्ब मारना चाहिए, ज़िंदा रहे या ना रहे। यानी हमारी ज़िंदगी में हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, नॉर्मली दुनिया में तो ये होता है कि इंसान कहता है बस इसको मार ही दो, इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अमली नमूना करके बताया कि जब मैं खुद ही इंसाफ कर सकता हूँ अपने कातिल के साथ, तो फिर ज़ाहिर है हमें भी हर लम्हे में हर जगह पर इंसाफ से काम लेना, और ज़ाहिर है इंसाफ करने वाला कामयाब रहता है। इसीलिए आज मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पॉजिटिवली हो रहा है और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का जिक्र नेगेटिवली हो रहा है। जी, और शायद ये भी बयां किया था कि ये बदला या ज़र्ब मैं ही मारूंगा अगर मैं बचा और कोई नहीं, और अगर मैं नहीं बचा तो फिर कोई और इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ये इंसाफ बड़ी बात है। ये मैं खाले एक हम नात सुन लेते हैं अली। बिस्मिल्लाह। जी, हम मैं चाहूंगी कि जवेरिया फातिमा आप अगर हमें एक अच्छी सी नात सुना दें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे जहरा पर नस्ल करीमों की लजपाल गराना है नस्ल मों की लजपाल गराना है, और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा है नसीरा आखिर साइल तो तुम्हारा है,
कैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है एक मैं ही उन पर कुर्बान जमाना है जो सुभान सुन के एक सुकून सा आ जाता है बिल्कुल जी. तो हम बात कर रहे थे हज़रत अली के ऊपर जिन्हें मुझे आप ये बताएं कि आपके भी बेटी भी हुई है माशाल्लाह से आपको बहुत बहुत मुबारक हो. तैमूर कैसे गुजरा रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन. आप भी काफ़ी बिजी हैं इधर उधर ट्रांसमिशन में. जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. अब साथ साथ दो ड्यूटीज हो गई क्योंकि अब घर पे बेटी भी है तो घर जाओ तो उसको भी टाइम देना है और उसके साथ भी करना है और फिर साथ में ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं. लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है सब बहुत बेहतरीन चल रहा है. उस दिन आपके भाई भी आए थे बड़ा हमारे पहले रोजे पे बड़ा मजा आया हमें. हमने बड़ी अच्छे से हमारी ट्रांसमिशन हुई तो उस दिन हमने उनसे भी पूछा था कैसा लग रहा है आपको पहला रमजान. मैं ये भी सब नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह तैमूर ने अपनी बेटी का नाम नफीसा रखा है जो हमारी मरहुमा फुप्पो का नाम था. तो ये भी माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है. इंशाल्लाह आपके पास आएंगे कलाम सुनने के लिए. अली रज़ा आप भी हमारे साथ मौजूद हैं. सब खैरियत जनाब? आप आज मुझे बड़ी खुशी है मैं बड़ा मतलब यानी कि मुझे बड़ा बड़ी सादत नसीब हो गई कि मैं आज मौला अली की यौम अली की जो है वो मंसूबी से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. वो उनकी आज उनके हवाले से कुछ कलाम करेंगे. तो पहले तो पूरी टीम का आज टीवी की इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया. साथ अली भाई आप हैं दो दो अली भाई हमारे साथ हैं यहाँ आमना है. तो आज जो महफिल और ख़ासकर आपने जो नात पढ़ी अभी बहुत प्यारी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह. तो कहूँगा कि आज टीवी ये अली भाई बोल रहे तो आज आज अली टीवी अली की तरफ से हाँ आज आज टीवी की तरफ से अली अली और इसके लिए बहुत शुक्रिया. जी आ जाए कुछ पढ़ के सुनाए कुछ हमें सुनाए. एक बड़ा खूबसूरत कलाम मौला अली की शान में और अली मेरे मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजारों जाने गिरामी हैं फिदाए नाम अली. नादे अली पढ़ नादे अली नादे अली पढ़ नादे अली 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 दम अली 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 दम अली अली तेरी मेरी पहचान अली तेरी मेरी पहचान अली 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 दम अली 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 दम अली अली नादे अली पढ़ नादे अली 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 दम अली अली. बड़ी खूबसूरत सी बात. हर गम की ताबीर अली है हर गम की ताबीर अली है कौसर की तफसीर अली है कौसर की तफसीर अली है जन्नत जन्नत कहने वालों जन्नत जन्नत कहने वालों जन्नत भी तो है उनकी गली जन्नत भी तो है उनकी गली अली 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 दम अली 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 दम अली अली
रहमत का पैगाम अली है, रहमत का पैगाम अली है, कितना प्यारा नाम अली है, कितना प्यारा नाम अली है, सच पूछो इस्लाम अली है, सच पूछो इस्लाम अली है, खिल जाती है दिल की कली, खिल जाती है दिल की कली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली, सफर तवील है उम्र दराज छोटी है, सफर तवील है उम्र दराज छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है हयात छोटी है, अली को कैसे मौलाए कायनात ना कहूँ, अली को कैसे मौलाए कायनात ना कहूँ, बड़ा है नाम और कायनात छोटी है, ना दे अली पढ़ ना दे अली, ना दे अली पढ़ ना दे अली, अली 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 दम अली अली। एक और बड़ी खूबसूरत बात काबा शरीफ से मंसूब, काबे में बुत ही बुत होते, काबे में बुत ही बुत होते, इसमें अली पैदा जो न होते, इसमें अली पैदा जो न होते, और दीन की भी तकमील न होती, दीन की भी तकमील न होती, किसको बनाते हक का वली, अरे किसको बनाते हक का वली, अली अली अली।